नमस्ते, मैं हूं गिरीश रामचंदे और आज के इस स्प्लिट एसी और वीआरई के डिफरेंस के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर दो सेशंस मैंने बनाए हैं, दो वीडियोस मैंने बनाए हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें कुछ डिफरेंसेस की बात हम लोग ने पहले से की है। यहाँ पे हम कुछ एडिशनल डिफरेंसेस देखेंगे जो स्प्लिट एसी, नॉर्मल स्प्लिट एसी में और वीआरबी वीआरएफ में देखे जाते हैं। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर का मतलब मैं यहाँ पे नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी यहाँ पे बता रहा हूँ, उसकी जानकारी दे रहा हूँ, और एक जो वीआरबी वीआरएफ होता है उसका डिफरेंस यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो नॉर्मल नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी होती है उसमें कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं होती है, आइदर एसी चलेगा तो फुल कैपेसिटी में चलेगा या नहीं चलेगा तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा कंप्रेसर। लेकिन वीआरबी में स्मूथ स्टेपलेस मॉड्यूलेशन होता है, मतलब मान लो कि वीआरबी एचपी में एक्सप्रेस होता है, मान लो कि 100 एचपी का वीआरबी है और हमें ज़रूरत जो है 95 एचपी की अगर उसकी ज़रूरत है तो ऐसे वक्त में 95 एचपी की कैपेसिटी के हिसाब से ही जो है वीआरबी काम करेगा वहाँ पे। मतलब यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं होते, अगर 90 एचपी की ज़रूरत होती है तो 90 एचपी के हिसाब से ही वीआरबी जो है यहाँ पे काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल स्प्लिट की बात करें तो वो चलेगा तो फुल कैपेसिटी पे चलेगा, अदरवाइज वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है कैपेसिटी कंट्रोल में इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे पावर सेविंग होती है वीआरबी के केस में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एयर कंडीशनर फुल कैपेसिटी में चलता है तो कोई पावर सेविंग नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस है सिंपल कंट्रोलर ऑपरेशन, इट जस्ट ऑन ऑफ द कंप्रेसर। इसमें सिंपल थर्मोस्टेट सेंसर्स लगे होते हैं जो जस्ट टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को एक तो चालू कर देंगे या बंद कर देंगे। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है, कंट्रोलर्स होते हैं, वो कैलकुलेट तो इट कैलकुलेट द कूलिंग डिमांड, कूलिंग डिमांड को सेंस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितने एचपी की ज़रूरत है या टन्स में कितने टन्स की ज़रूरत है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके हिसाब से मॉड्यूलेट द कंप्रेसर एंड डिलीवर राइट कैपेसिटी, उसके हिसाब से कंप्रेसर की कैपेसिटी को तय किया जाता है। मान लो कि 100 एचपी की मशीन है लेकिन ज़रूरत सिर्फ 70 एचपी की है, तो ऐसे वक्त में कंप्रेसर जो काम करेगा वो 70 एचपी के हिसाब से काम करेगा और उसी का आउटपुट वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो नॉर्मल स्प्लिट एसी होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। देन तीसरा दिया है कैपिलरी ट्यूब इज यूज एज एक्सपेंशन डिवाइस। नॉर्मल जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होते हैं उसमें एज एक्सपेंशन डिवाइस कैपिलरी ट्यूब होती है, लेकिन जो वीआरवी वीआरएफ होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगता है। ओके, हर एक यूनिट जो होता है, मतलब वीआरवी में मल्टीपल यूनिट होते हैं। ओके, तो जहाँ पे जितना ज़रूरत है, अगर कोई यूनिट में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल जो है वहाँ पे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट, ज़्यादा मतलब जितनी ज़रूरत है उतना रेफ्रिजरेंट वहाँ पे भेजेगा। अगर कहीं पे अगर लोड कम है तो वहाँ पे कम रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट एडिक्वेट रेफ्रिजरेंट टू ईच इंडोर यूनिट बाय कॉन्स्टेंटली कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल के माध्यम से रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है जितनी ज़रूरत है उतना हर एक यूनिट को दिया जाता है। लेकिन कैपिलरी ट्यूब के केस में पॉसिबल नहीं होता है, कैपिलरी ट्यूब में कोई कंट्रोलर नहीं होता, तो ज़रूरत हो या ना हो सेम क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है स्प्लिट एयर कंडीशनर को यहाँ पे मिलते रहेगा। लेकिन वीआरबी में वो पॉसिबल है, अगर एक ही मशीन है लेकिन इंडोर यूनिट में लोड अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट लोड के हिसाब से डिफरेंट रेफ्रिजरेंट का जो है फ्लो वीआरबी या वीआरएफ में किया जा सकता है। देन स्प्लिट एयर कंडीशनर में चौथा पॉइंट दिया है कंप्रेसर वर्क ऑलवेज इट्स फुल कैपेसिटी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो अगर नॉर्मल स्प्लिट है तो उसका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यूस चलते रहेगा, फुल कैपेसिटी में चलेगा। अगर दो टन का स्प्लिट इसे तो दो टन के हिसाब से वो चलते रहेगा, मतलब कूलिंग डिमांड कुछ भी हो, कूलिंग डिमांड शायद वन टन की हो, जैसे रात का समय है और हमने नॉर्मल स्प्लिट अगर लगाया है तो अगर दो टन का है तो दो टन के हिसाब से काम करेगा, वो लोड सेंस नहीं करेगा कि अभी सन गेन हीट नहीं है या फिर बाकी हीट लोड कम है तो वन टन में चले, ऐसा नहीं होता, वो फुल कैपेसिटी में चलेगा अगर वो नॉन इन्वर्टर है तो, नॉर्मल एयर कंडीशनर है तो ऐसा होगा। लेकिन वीआरबी वीआरएफ के केस में क्या होता है, ओनली रिक्वायर कैपेसिटी इज जनरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीपल यूनिट कंडीशन। मतलब कंप्रेसर जो है अपना जो वर्किंग है उस वर्किंग को कम या ज़्यादा करेगा, उसका स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा करेगा, सेंस करेगा वहाँ पर लोड क्या है और लोड के हिसाब से जो कंप्रेसर है अपनी स्पीड को यहाँ पे कम कर देता है। तो यहाँ पे रिक्वायर जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से कंप्रेसर काम करते हैं, लेकिन नॉर्मल स्प्लिट में ऐसा नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।